नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अब आर्यन खान केस में एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, आर्यन खान केस में दोस्तों एक बार फिर से आज एनसीबी की टीम आर्यन खान और अनन्या पांडे को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। आप सभी को पता होगा, आर्यन खान और अनन्या पांडे का साठगांठ था, यानी कि आर्यन खान के फोन से ही पता चल पाया था कि अनन्या पांडे ड्रग्स की भी लती हैं और वो ड्रग्स भी लिया करती हैं। अब आने वाले दिनों में दोस्तों एनसीबी की टीम एक बार फिर से ताबड़तोड़ कार्यवाही करने जा रही है और एनसीबी की टीम को अभी एक बार फिर से एक और नई गैंग मिली है। जी हां, महाराष्ट्र में एनसीबी की टीम ने एक बार फिर से एक जगह पर छापा मारा है जहां पर से कई सारे ड्रग्स स्मगलर और ड्रग्स लेने वाले भी पाए गए हैं। और खबर यह है कि इनका भी बॉलीवुड से नाता हो सकता है, या फिर ये जो खुखार ड्रग्स स्मगलर पकड़ा गया है, हो सकता है कि ये बॉलीवुड वालों को ड्रग्स की सप्लाई करता हो। और इसी वजह से अब एनसीबी की टीम आने वाले दिनों में दोस्तों एक बार फिर से बहुत बड़ी और ताबड़तोड़ कार्यवाही करने जा रही है। तो कैसे अब एक बार फिर से आर्यन खान एक बार फिर से एनसीबी के चंगुल में आने वाला है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में एनसीबी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के एक जगह पर छापा मारा है और वहां पर छापे में एनसीबी ने पाया था कि वहां पर ड्रग्स की पार्टियां चल रही थी। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर बहुत सारे लोग वहां पर जुटे हुए थे। अब एनसीबी की टीम को शक है कि इनमें से जो ड्रग्स स्मगलर हैं उनको ना सिर्फ आर्यन खान केस में भी बहुत सारी जानकारी होगी, बल्कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका लिंक और भी कई सारे बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से हो सकता है और ऐसे में कई सारे बड़े सेलिब्रिटी और स्टार किड्स एक बार फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं। बात करें अगर आर्यन खान केस की, तो जी हां, आपको बता दें, आर्यन खान अभी हाल ही में एक बार फिर से एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। वहां पर वो एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि अभी भी आर्यन खान को डर है कि अगर वो एनसीबी के तमाम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इसके बाद एनसीबी एक बार फिर से उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है और जिसकी वजह से आर्यन खान को एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और इसी वजह से आर्यन खान काफी डरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों ये भी देखने को मिला था कि अनन्या पांडे से भी पूछताछ हुई थी और आर्यन खान के फोन से ही अनन्या पांडे का इस केस में नाम सामने आया था, जिसके बाद अनन्या पांडे बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर जाकर रोने भी लग गए। लेकिन अनन्या पांडे अभी भी बची नहीं है और एनसीबी की टीम को आज भी शक है कि अनन्या पांडे कहीं ना कहीं अभी भी किसी ड्रग्स स्मगलर या ड्रग्स पेडलर से ना मिलती हो, या फिर वो अभी भी गांजे जैसी चीज को लेकर बात ना करती हो। इसी वजह से एनसीबी की टीम बहुत ज्यादा सख्त है और अनन्या पांडे के साथ साथ आर्यन खान को बुलाकर एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है और उसके बाद इन लोगों की मुश्किलें ना सिर्फ बढ़ेंगी बल्कि एक बार फिर से आप सभी पाएंगे कि पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मचने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आर्यन खान केस में एनसीबी की टीम को बदल दिया गया है और सेकंड एनसीबी की टीम को ला दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके आर्यन खान केस में अभी भी कई सारे बड़े खुलासे होने बाकी हैं और आने वाले दिनों में आप सभी पाएंगे कि आर्यन खान केस में ना सिर्फ और भी कई सारे लोग गिरफ्तार होंगे जिन्होंने ड्रग्स स्मगलर की तरह काम किया होगा इस केस में या फिर आर्यन तक ड्रग्स पहुंचाया होगा, बल्कि इसके अलावा अन्य पांडे के फोन से भी कई सारे लोगों की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में होगी। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।